दोस्तों जल्दी से अपने चैनल और गुरुजी को सब्सक्राइब कर लें और इस घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि अपना इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और आज हम लोग विलियम शेक्सपियर की एक और पोएम करेंगे जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है, BA पार्ट फर्स्ट के सिलेबस में। नॉट मार्बल नॉट द गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स, ठीक है। हमने पिछली बार की थी शैल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे, वो की थी। अब नॉट मार्बल नॉट द गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स करेंगे हम लोग। तो बच्चों, अबाउट द पोएट तो आपने शैल आई कंपेयर दी में पढ़ लिया होगा कि क्या क्या मतलब विलियम शेक्सपियर के बारे में बेसिक चीज़ की, कि उनका जन्म 1564 एंड डेथ 1616 में हुई। उन्होंने 154 सोनेट्स लिखी, ठीक है, जिनमें से 126 सोनेट्स किसी यंग मैन को डेडिकेटेड है। एक यंग मैन है जो कि मिस्टीरियस है, जिसको सिर्फ हम जानते हैं कि वो कोई WH है, ये नहीं पता वो कौन है, फुल नाम नहीं पता। तो 126 सोनेट्स तो इस WH को संबोधित हैं, इसको डेडिकेटेड है। और इन 126 सोनेट्स में से देखा जाए तो 17 सोनेट्स, 1 to 17 जो है ना, उनकी थीम अलग है, और फिर 18 to 126 की थीम ऑलमोस्ट सेम है, लगभग लगभग, ठीक है। जो आज हम सोनेट कर रहे हैं, नॉट मार्बल नॉट द गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स, ये 55th सोनेट है विलियम शेक्सपियर, कौन सी, 55वीं सोनेट, ठीक है। और शेक्सपियर की सोनेट्स का स्ट्रक्चर बेसिकली चार चार चार, मतलब तीन क्वाट्रेन और एक लास्ट में कॉन्क्लूडिंग कॉपलेट दोहा होता है। ये हमारा बेसिक, एक तरह से इंट्रोडक्शन विलियम शेक्सपियर का, जो बेसिक आपको पता होना चाहिए कि वो मतलब क्या थे, किस तरह की सोनेट लिखा करते थे, क्या उनका बेसिक मतलब, कितनी सोनेट्स लिखी, ये पोएम सोनेट है, ये कौन सी सोनेट है, 55th सोनेट है। और ये सोनेट पब्लिश हुई थी 1609 में। एक्चुअल में सारी की सारी सोनेट ही 1609 में उनकी आई थी दुनिया के सामने, लिखी कब थी पता नहीं, पर 1609 में वो दुनिया के सामने फर्स्ट टाइम आई थी जब वो पब्लिश हुई थी एक साथ सारी। तो अब हम आते हैं टेक्स्ट पर, कि नॉट मार्बल नॉर द गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स। देखो पोइट बोल रहे हैं कि ना ही, ना तो मार्बल और ना ही गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स। गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स मतलब चमकदार और उस तरह के स्मारक, मॉन्यूमेंट्स। ऑफ प्रिंसेस शैल आउटलिव दिस पावरफुल राइम। तो पोइट बोल रहे हैं कि ना तो कोई मार्बल और ना ही गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स किनके, राजकुमारों के, राजाओं के, शैल आउटलिव दिस पावरफुल राइम। यानी वो अपनी खुद ही कविता की बोल रहे हैं, दिस पावरफुल राइम को मतलब इस कविता की बात कर रहे हैं, कि इस शक्तिशाली कविता की बोल रहे हैं, कि इस शक्तिशाली कविता को ना तो कोई मार्बल ना कोई गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स, कहने का मतलब ना कोई स्मारक, क्योंकि राजा महाराजा अपनी याद में स्मारक बनवाया करते थे, या फिर उनके परिजन स्मारक बनवाया करते थे, ठीक है, या फिर उनकी कोई नमूना लाइफ का, जीत का नमूना हो, या कोई उस तरह की, या फिर उन्होंने कोई प्रशस्ति पत्र वगैरह, मार्बल वगैरह पे वो गुदवा देते, लिखवा देते थे कि ये व्यक्ति, इसने ये काम किया, वो किया, इसको ये दिया जाता है। तो मतलब जो मार्बल होगा, मार्बल की बनी चीजें सुंदर सुंदर, जैसे ताजमहल मान लो, है ना, तो ना ही मार्बल और ना ही गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स जो कि राजकुमार राजा महाराजा द्वारा बनाए गए हैं, वो इस पावरफुल राइम, इस कविता को पार कर सकते हैं, मतलब इसकी उम्र की सीमा को पार कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि मेरी कविता, राइटर बोल रहा है, ये जो कविता है मेरी कविता, वो ज्यादा जिएगी किसके तुलना में, किसी भी मार्बल की बनी चीज या किसी भी स्मारक के मुकाबले मेरी कविता ज्यादा जिएगी। यानी ये चीजें मेरी कविता को क्रॉस नहीं कर सकते, इसकी लाइफ को क्रॉस नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो पहली लाइन में उसने एनियमेंट इस्तेमाल किया है, नॉट मार्बल नॉर द गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स। लाइन यहाँ सेंटेंस पूरा नहीं हुआ, लाइन तो हो गई पूरी पर सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ, सेंटेंस आगे कंटिन्यू है। तो ये क्या बोलते हैं हम इसको, एनियमेंट, ठीक, एनियमेंट, इसमें जे साइलेंट होता है तो एनियमेंट पढ़ते हैं इसको। बट यू शैल शाइन मोर ब्राइट इन दीज कॉन्टेंट्स देन अनस्वेप्ट स्टोन बी स्मियर्ड विद स्लटिस टाइम। अब देखो आगे कवि बोल रहा है कि बट यू शैल शाइन, शैल शाइन, श श क्या है, कॉन्सोनेंट है, श एक कॉन्सोनेंट होता है, उसके बाद में वोवल ए और आई जो कि चेंज हो गया, वोवल बदल गया, तो इन शैल शाइन में क्या यूज किया गया है, इसमें कॉन्सोनेंस यूज किया गया है, क्या है, कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस में जैसे हमने बात करी कि कॉन्सोनेंस कौन सी डिवाइस होती है, जिस डिवाइस में मतलब वर्ड में एक्चुअल में स्टार्टिंग में कॉन्सोनेंट आ रहा है, व्यंजन आ रहा है, परंतु उसके तुरंत बाद में वोवल बदल जाता है, तो कॉन्सोनेंस हो गया। तो यू शैल शाइन मोर ब्राइट इन दीज कॉन्टेंट्स, यानी खुद की कविता के बोल रहे हैं कि मेरी कविता के जो कण है या फिर इसमें जो शब्द लिखे गए हैं, इस कंटेंट के अंदर तुम ज्यादा चमकोगे, ज्यादा ब्राइट रूप में नजर आओगे, यानी कि तुम ज्यादा पॉपुलर होगे, तुम्हें ज्यादा ख्याति मिलेगी, यू विल बी मोर पॉपुलर।
तुम ज्यादा चमक के बाहर आओगे, यानी दुनिया तुम्हें जानेगी। देन अनस्वेप्ट स्टोन बी स्वेयर्ड विद स्लटिश टाइम, यानी कि तुम ज्यादा चमकते हुए नजर आओगे मेरी कविता में, तुम ज्यादा पॉपुलर नजर आओगे, ज्यादा तुम्हें पॉपुलैरिटी मिलेगी किसके तुलना में, एक ऐसा स्टोन, ऐसा पत्थर जो कि अनस्वेप्ट है, जिसकी साफ सफाई नहीं हुई, यानी वो गंदा दिख रहा है। ठीक है, ये किस पत्थर की बात कर रहा है? ये बेसिकली कोई मेमोरियल, किसी की याद में कुछ बनाया गया पत्थर, उसके लिए बोल रहा है मेमोरियल, कि जैसे पत्थर जो बाद में फ्यूचर में लोगों को उनकी याद दिलाएं जिनके बारे में बनाया गया है, जिसके द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो देन अनस्वेप्ट स्टोन, की ऐसे पत्थर जो गंदे हो चुके हैं, जिनको किसी ने साफ नहीं किया, बी स्मेयर्ड विद स्लटिस टाइम, वो गंदे किससे हो गए हैं, किससे वो खराब हो गए हैं, बी स्मेयर्ड हो गए हैं विद स्लटिस टाइम, यानी गंदे समय द्वारा। देखो स्लट शब्द है ना, एक्चुअल में ये वैश्यवृत्ति वगैरह उनके लिए इस्तेमाल होता है, और ये उस वक्त एलिजाबेथन पीरियड में औरत जो कि वैश्यवृत्ति का काम करती थी उसको स्लट बोला जाता था, उस टाइम पे ये वर्ड काफी पॉपुलर हुआ था। तो आप बोल सकते हो कवि ने टाइम को एक एक तरह से यहाँ पर्सोनिफाई कर दिया है, उसको स्लटिश बना दिया है। टाइम को क्या बना दिया? स्लटिश, जैसे कि एक वैश्यवृत्ति वाली महिला को उस वक्त गंदा समझा जाता था, वो तो आज भी समझा जाता है बेसिकली, बट कम हो गया पहले से। तो है ना, टाइम को एक तरह से पर्सोनिफाई कर दिया, स्लटिश टाइम, कि एक गंदा समय, जिस तरह से समा समय को गंदा बताया, कि समय टाइम के हिसाब से चीजों को बेकार कर देता है, इसलिए उसको गंदा बताया है, कि एक गंदा समय जो कि एक पत्थर जिसको साफ नहीं किया गया उसको बहुत गंदा कर देता है, उसकी तुलना में तुम ऐसे किसी मेमोरियल है, मतलब तुम्हारी याद में कोई मेमोरियल बनाया है ऐसे पत्थर पे, कुछ लिखवाए तुम्हारे बारे में, उसकी तुलना में तुम मेरी कविता में यानी मेरे कंटेंट में ज्यादा ब्राइट चमकते हुए नजर आओगे। When wasteful war shall statues overturn, और जब wasteful war shall statues overturn, wasteful, देखो वॉर जो होते हैं ना वो हमेशा से वेस्टफुल रहे हैं, वॉर से हमेशा बर्बादी होती है, व्यर्थ की बर्बादी है ना, तो कभी उसको वेस्टफुल वॉर बोल रहा है, कि जब बर्बादी करने वाले युद्ध शैल स्टैचूज ओवरटर्न, वो मूर्तियों को पलट देंगे। अब मूर्तियां पलट देंगे मतलब मूर्तियां या तो राजाओं महाराजाओं की मूर्तियां होंगी जो कि एक तरह से मेमोरियल का काम कर रही हैं, उनकी याद दिलाती हैं, या फिर यहाँ पे एक चीज और है, स्टैचूज एक शब्द है जो मतलब मेटाफर यूज हो रहा है किसके लिए, किंगडम्स के लिए, क्योंकि मूर्तियां पलट गई इसका मतलब है कि सत्ता पलट गई है ना, तो ये एक मेटाफर भी हो सकता है यहाँ पे, और मैं इसको दोनों तरह से देखूंगा, क्योंकि आप इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं अपने हिसाब से, तो मैं इसको एज ए मेटाफर भी देखूंगा किंगडम के लिए, किसके लिए, किंगडम के लिए, कि साम्राज्य के लिए, कि जब बर्बादी करने वाले युद्ध क्या करते हैं, मूर्तियों को पलट देते हैं, यानी कि साम्राज्यों को पलट देते हैं एक तरीके से, एंड ब्रॉयल रूट आउट द वर्क ऑफ मैसनरी, और झगड़े, ब्रॉयल मतलब झगड़े क्या करते हैं, वर्क ऑफ मैसनरी यानी कि कारीगरी से बनाए गए जो काम होते हैं, कारीगरी के जो काम होते हैं उनको उखाड़ फेंकते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं, यानी युद्ध ऐसा काम कर सकते हैं, युद्ध कितना वेस्टफुल एक्टिविटी होती है वो दिखाया गया है। तो देखो ऐसा क्यों बोल रहा राइटर, वो भी आगे पता चलेगा, परंतु पहले इसको देख लो, व्हेन वेस्टफुल वॉर, इसमें क्या हो रहा है, एलिट्रेशन यूज हो रहा है, व शब्द का रिपीटेशन हो रहा है, व एक कॉन्सोनेंट होता है, ठीक है, तो यहां पर क्या है, एलिट्रेशन, व व व एलिट्रेशन, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ मैंने जो पहले लिखा है, ताकि आपको समझ में आए इजीली, ठीक है, तो व्हेन वेस्टफुल वॉर, इसमें क्या हो रहा है, एलिट्रेशन, एलिट्रेशन हो गया, ठीक है। एक चीज ध्यान रखो, कॉन्सोनेंस जो होता है ना, देखो डिफरेंस क्यों आप कंफ्यूजन ना हो, कॉन्सोनेंस बेसिकली है ना, पहली बात तो वो पेयर में नजर आएगा, कॉन्सोनेंस वैसे तो मोस्ट ऑफ द टाइम मिडिल ऑफ द वर्ड के या एंड ऑफ द वर्ड में ज्यादा आते हैं, जब कॉन्सोनेंट का रिपीटेशन मिडिल ऑफ द वर्ड या एंड ऑफ द वर्ड ज्यादा होता है तब कॉन्सोनेंस को ज्यादा हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, परंतु और एलिटेशन तो बेसिकली वर्ड के स्टार्टिंग में आता है हमेशा, परंतु कॉन्सोनेंस कभी ऐसा हो कि ग्रुप में वर्ड हो, जैसे कि शैल शाइन है ना, शैल शाइन, ठीक है, डार्क, तो स्टूडेंट्स कोई टेक्निकल इशू हो गया था, इस वजह से मुझे बीच में वीडियो रोकनी पड़ी, तो मैंने वो मिटा दिया जहाँ तक तो पढ़ा रहा था। चलो ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं, मैं कहाँ था, मैं था कॉन्सोनेंस, मैं बता रहा था कि देखो कॉन्सोनेंस बेसिकली पेयर में होते हैं, जैसे शैल शाइन, अगर वर्ड की स्टार्टिंग में आ रहे हैं तो मतलब शे और शे दो कॉन्सोनेंट साउंड आ रहे हैं, उसके बाद में वोवल चेंज हो रहा है, ठीक है, इस तरह से डार्क डीप है ना, ड ड कॉन्सोनेंट साउंड एंड उसके बाद में वोवल चेंज हो रहा है, ए और ई, ए साउंड और ई साउंड, ठीक है। तो आमतौर पे जब कॉन्सोनेंस यूज होता है, अगर वर्ड की स्टार्टिंग, देखो ऐसे शब्द जो पेयर में आते हैं स्पेशली, और उनके तुरंत बाद में फिर चेंज हो जाए, क्या वोवल चेंज हो जाए, वोवल साउंड चेंज हो जाए,
तो वो कॉन्सोनेंस में काउंट करते हैं, वरना कॉन्सोनेंस बेसिकली वर्ड के बीच में, मतलब वर्डों के बीच में या वर्डों के एंड में कॉन्सोनेंट साउंड जब रिपीटेशन होती है तब मानते हैं हम। और एलिटेशन तो हमेशा वर्डों के स्टार्टिंग में आता है एक तरह से। एलिटेशन साउंड जब, मतलब जब कॉन्सोनेंट साउंड वर्डों के स्टार्टिंग में आती है, वर्ड्स के स्टार्टिंग में आती है, और वो इससे अलग यानी कि पेयर में ना हो, और पेयर में हो तो वॉवल सेम हो, डिफरेंट ना हो। डिफरेंट होगा तो फिर वो कॉन्सोनेंस हो जाएगा, है ना। ये चीज थोड़ा ध्यान रखना, दिमाग में थोड़ा कंफ्यूज करेगी आपको कि भाई एलिटेशन बेसिकली हमेशा जब कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड की स्टार्टिंग में आती है ना। ठीक है, दूसरी चीज, अगर दो शब्द साथ साथ यूज हो रहे हैं, जैसे ये यूज हो रहे हैं डार्क डीप शेल शाइन, तो ये ध्यान दो कि उसके तुरंत बाद में यानी कॉन्सोनेंट साउंड के तुरंत बाद में वॉवल बदल तो नहीं रहा है। अगर बदल रहा है तो फिर हम उसे कॉन्सोनेंस मानेंगे, ना कि एलिटेशन। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नॉर मार्स हिज फॉर नॉर वॉर्स क्विक फायर शेल बर्न द लिविंग रिकॉर्ड ऑफ योर मेमोरी। तो आगे कवि बोल रहा है कि ना तो मार्स, मार्स क्या है, ग्रह की बात नहीं हो रही है, बेसिकली मार्स ग्रह है, परंतु देखो यहाँ पे जिस मार्स की बात हो रही है ना वो है गॉड ऑफ वॉर, यानी कि युद्धों का देवता। ग्रीक माइथोलॉजी में युद्धों के देवता को क्या बोलते हैं, मार्स कहते हैं। तो नॉर मार्स हिज वॉर, यानी कि युद्धों का देवता खुद अपनी तलवार लेके आ जाए, या फिर बोल सकते हो कि वॉर्स क्विक फायर, या फिर युद्ध की सब कुछ जला देने वाली आग, यानी युद्ध की आग, है ना। यानी ना ही युद्धों का देवता मार्स अपनी तलवार से, और ना ही कोई युद्ध की आग जला सकती है किसको, द लिविंग रिकॉर्ड ऑफ योर मेमोरी, यानी कि तुम्हारी याद में लिखी गई ये लिविंग रिकॉर्ड, मतलब अपनी पोएम को लिविंग रिकॉर्ड बोल रहा है। ये पोएम मेटाफर हो गया यहाँ पर, किसका मेटाफर, पोएम के लिए, कि भाई वो अपने लिविंग रिकॉर्ड इसको बोल रहा है पोएम को, कि तुम्हारी मेमोरी जहाँ रिकॉर्डेड है वो लिविंग रिकॉर्ड, और वो हमेशा जिंदा रहेगा, इसलिए लिविंग बोल रहा है, ध्यान रखना, क्योंकि पोएम हमेशा जिंदा रहेगी। कवि मान के चल रहा है कि पोएम फ्यूचर में भी पढ़ी जाएगी, और फ्यूचर में, और फ्यूचर में, इस तरीके से, इसलिए हमेशा जिंदा रहेगी, इसलिए इसको लिविंग रिकॉर्ड बोल रहा है। ठीक है, और ये ग्रो करती रहेगी ना टाइम टू टाइम, पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन बढ़ती जाएगी, इसलिए लिविंग रिकॉर्ड मान रहा है इसको। तो द लिविंग रिकॉर्ड ऑफ योर मेमोरी, यानी कि तुम्हारी याद में जो ये तुम्हारी याद जहां पर संजोई गई है, कहाँ पर संजोई गई है, कहाँ पर रखी गई है तुम्हारी याद, कहाँ पर रिकॉर्ड की गई है, इस पोयम में, है ना। तो अपनी किसकी याद, यंग मैन की, यंग मैन के लिए बोल रहा है कि यंग मैन की याद जहाँ इस पोयम में रिकॉर्ड की गई है, वो रिकॉर्ड नहीं जलाया जा सकता, ना तो मार्स की तलवार के द्वारा खत्म किया जा सकता है, ना युद्धों की आग के द्वारा जलाया जा सकता है। ठीक है, और साथ में ये पोयम वर्क करेगी किसके अगेंस्ट में, अगेंस्ट में डेथ, अगेंस्ट डेथ एंड ऑल ऑब्लिवियस एनिमिटी, यानी मृत्यु के खिलाफ भी, और ऑल ऑब्लिवियस एनिमिटी, देखो ऑब्लिवियस मतलब भुला देने वाली। अब ऑल ऑब्लिवियस एनिमिटी किसके लिए बोला गया है यहाँ पे, ऐसा है कि जैसे उदाहरण के तौर पे टाइम को देख लो, टाइम क्या है, टाइम एक्चुअल में ऐसा शत्रु है जो सबको इक्वल मानता है, उसके लिए चाहे आप राजा हो चाहे भिखारी हो फर्क नहीं पड़ता, वो अगर आप टाइम के आड़े आ गए तो वो सबको नष्ट कर देगा, कहने का मतलब जिसका समय पूरा हो जाता है टाइम उसको नष्ट कर देता है। तो वही चीज है, ऑल ऑब्लिवियस एनिमिटी या टाइम के लिए बोला गया एक तरीके से। तो ये पोएम काम करेगी डेथ के खिलाफ भी और टाइम के खिलाफ भी, मतलब ऐसे दुश्मन के खिलाफ भी जो सब कुछ मिटा देता है, सब भुला देता है, उस दुश्मन के खिलाफ भी ये काम करेगी। शैल यू पेस फोर्थ योर प्रेज शैल स्टिल फाइंड रूम इवन इन द आईज ऑफ ऑल पोस्टेरिटी। तो देखो राइटर बोल रहा है कि तुम आगे बढ़ते रहोगे, यानी तुम्हारी तुम्हारे बारे में लोग फ्यूचर में जानेंगे, योर प्रेज तुम्हारी जो तारीफ है ना, शैल स्टिल फाइंड रूम, वो तुम्हारी तारीफ मतलब भविष्य में अपनी जगह बना ही लेगी, यानी लोगों के बीच में तुम्हारी तारीफ होगी, तुम्हें जानेंगे लोग, समझेंगे, तुम्हारी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, यानी तुम्हारी जो ये मेमोरी है ना वो एक्चुअल में इंटैक्ट रहेगी इस पोएम के थ्रू। तो बोल रहा है कि तुम्हारी तारीफ भविष्य में भी होगी, वो जगह बना ही लेगी लोगों के घर में, लोगों के कमरों में, लोगों के थॉट्स में, तुम्हारी तारीफ जगह बना लेगी, इवन इन द आईज ऑफ ऑल पोस्टेरिटी, यानी कि यहाँ तक कि ऑल पोस्टेरिटी, पोस्टेरिटी मतलब फ्यूचर जनरेशन, क्या है, फ्यूचर जनरेशन, क्योंकि कवि ये मान रहा है कि भाई उसने अपने टाइम में देख लिया कि लोग बहुत ज्यादा सेल्फिश होते जा रहे हैं। ठीक है, लोग बहुत ज्यादा इविल, बुराइयों से भरे हुए हैं, ईर्ष्या करते हैं, एनवी, जलन जलन होती है एक दूसरे से, तो भविष्य में पता नहीं पीढ़ियां कितनी ज्यादा खतरनाक होंगी। तो वो पहले ही मान के चल रहा है कि भाई भविष्य की पीढ़ियां बहुत ही ज्यादा बुरी होने वाली हैं, तो बोल रहा है कि चाहे कैसी भी हो वो ऑल पोस्टेरिटी मतलब उन सब फ्यूचर जनरेशन की आंखों में, यानी तुम वहां तक, यानी वो मान के चल रहा है कि जो फ्यूचर जनरेशन होंगी ना वो भैया वो अच्छी नहीं होने वाली है, तो तुम उनकी आंखों में भी अपनी मतलब तारीफ मतलब पाओगे एक तरीके से, उनकी आंखों में भी तुम्हारे लिए तारीफ होगी,
तुम्हें वो तारीफ करेंगे तुम्हारी, वो फ्यूचर जनरेशन भी। दैट वियर, क्यों ऐसा देखो आगे देखो, दैट वियर दिस वर्ल्ड आउट टू द एंडिंग डूम, क्योंकि उसको भरोसा है पोइट को कि भविष्य की जनरेशन होगी ना वो बहुत ही बेकार होगी, लड़ाकू होगी, वो इस संसार को ही खत्म कर देगी। वियर दिस वर्ल्ड आउट टू द एंडिंग डूम, वो मतलब इस संसार को अंत तक ले जाएगी, मतलब अंत करवा देगी संसार का। इसलिए वो बोल रहा है कि ऐसी जनरेशन जो लड़ मरने पर उतारू होंगी, जो इस संसार का अंत करने पर उतारू होंगी ना, उन जनरेशन की आंखों में भी तुम एक तरीके से खुद के लिए तारीफ पाओगे। यानी अपने यंग मैन के लिए बोल रहा है कि मेरी कविता कितनी कारगर होगी भविष्य में, ये तुम्हें एक्चुअल में उन पीढ़ी, उस पीढ़ी तक भी ले जाएगी, जिस पीढ़ी, जो पीढ़ी एक्चुअली सबको नष्ट करने पर तुली होगी, वो पीढ़ी भी तुम्हारी तारीफ करेगी। सो टिल द जजमेंट दैट योर सेल्फ राइज, यू लिव इन दिस एंड ड्वेल इन लवर्स आइज। देखो ये है कॉन्क्लूडिंग कुपलेट कि जब तक जजमेंट का दिन आता है, मतलब टिल द जजमेंट दैट योर सेल्फ राइज, यानी तुम्हारे जजमेंट का दिन आता है, एक तरीके से यंग मैन के लिए बोल रहा है। जजमेंट का दिन, देखो क्रिश्चियन माइथोलॉजी में क्या होता है, एक दिन बताया जाता है कि भाई एक ऐसा दिन होगा जब उस टाइम पे सभी लोग जो है पहले तो मर जाएंगे, कब्रों में पहुंच जाएंगे, फिर कब्रों से उठ के भगवान के पास में जाएंगे, मतलब गॉड के सामने खड़े होंगे, और फिर गॉड अपना जजमेंट सुनाएगा, तुमने ये पाप किया है, तुमने वो पुण्य किया है, फलाना ढिकाना, ये चीज है ना। तो उस जजमेंट डे की बात कर रहा है यहाँ पर कवि कि टिल द जजमेंट दैट योर सेल्फ राइज, जब तुम्हारा जजमेंट का दिन आएगा, जब गॉड तुम्हारा निर्णय करेगा, तुम्हारा जजमेंट करेगा, यू लिव इन दिस एंड ड्वेल इन लवर्स आइज, तब तक मतलब तुम बेसिकली यू लिव इन दिस, तुम मेरी कविता में रहोगे, यानी जिंदा रहोगे मेरी कविता के थ्रू, एंड ड्वेल इन लवर्स आइज, और सभी की आंख के तारे बन के रहोगे, मतलब लवर्स तुम्हें प्रेम करेंगे, तुम्हें पसंद करेंगे, भविष्य की पीढ़ियां तुम्हारी तारीफ करेंगी, तुम्हें प्यार करेंगी, एंड तुम उनकी आंखों में बसे रहोगे। तो ये अपनी पोयम है, समझ में आएगी होगी। तो बेसिकली देखो 12 लाइन तक तो है ना, कवि एक तरह से अलग अलग चीजों से तुलना कर रहा है कि भाई देखो वॉर ऐसे नष्ट कर देते हैं ना, समय इतना खतरनाक है, सब चीजों को धीरे धीरे वो गंदा कर देता है, स्लटिश बता दिया समय को, है ना। और युद्धों के देवता मार्स भी आ जाए, चाहे युद्ध की आग कितनी खतरनाक होती है, सब जल के भस्म, जला के भस्म कर देती है, युद्ध की आग मतलब युद्ध कहने का मतलब यही है। तो ये सब चीजें आएंगी जाएंगी, सब चलेगा, और भविष्य की जनरेशन तो कवि को और भी खतरनाक लग रही है कि दैट फ्यूचर जनरेशन विल डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, है ना, वो सब खत्म कर देगी, ऐसी जनरेशन आने वाली है भविष्य में। परंतु तुम इस कविता के थ्रू, यानी उस यंग मैन के ब्रत, तुम इस कविता के थ्रू उस जनरेशन की आंखों में भी खुद के लिए तारीफ पाओगे। तो ये चीज है, और अपनी मेरी कविता के थ्रू मतलब तुम जजमेंट डे के दिन तक जिंदा रहोगे एक तरीके से। ठीक है बच्चों, पोएम समझ में आ गई? नहीं कुछ समझ में आया हो तो कमेंट करके पूछ लेना, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका क्रिटिकल अप्रिशन आपको समझाऊंगा। टिल देन गुड बाय, और ये वीडियो जरूर शेयर करना बाकी बच्चों के साथ ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। सी यू सून।